हेलो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एंड फंक्शन इन एक्सेल अब जो हैं जैसे कि पेन pen है पेंसिल बाइंडो अब उसके बेस पे क्या चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए और यहाँ पे मिनिमम रेवेन्यू चाहिए इसके लिए जो टाइप करेंगे फॉर्मूला वो है मैक्स एप्स फर्स्ट मैक्स रेंज देना है जो कि मेरे को क्या चाहिए यहां पे रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू का डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे कामा Then, क्राइटेरिया रेंज. तो मेरे को डेटा जो चाहिए वो आइटम के बेस पे चाहिए देन पूरे आइटम को सेलेक्ट कर लिया मैंने कामा एंड जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बेस पे यहाँ पे डेटा रिटर्न देगा ब्रैकेट क्लोज एंटर तो यहाँ पे पेंसिल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के दे दिया अगर मैंने यहां पे टाइप करा पेन तो पेन का मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है वो फाइंड आउट करके दे दिया है सेम यहाँ पे निकालना मिनिमम रेवेन्यू फॉर आइटम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फर्स्ट मेन रेंज देना है रेवेन्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉमा क्राइटेरिया रेंज अगेन आइटम को सेलेक्ट करा कॉमा और क्राइटेरिया क्या रखना है तो पेन रखना है ब्रैकेट क्लोज एंटर अब आपने अगर यहां पे प्रोडक्ट चेंज करा आपने लिखा यहां पे बाइंडर तो बाइंडर का यहां पे मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल के दिया और यहां पे मिनिमम रेवेन्यू सिमिलरली अब जो डेटा मेरे को चाहिए वो रीजन के बेस पे चाहिए रीजन के बेस पे मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए और मिनिमम देन इसके लिए भी यूज करेंगे मैक्स इप्स फर्स्ट मैक्स रेंज देना है जो कि रेवेन्यू है कॉमा क्राइटेरिया रेंज मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया मा क्राइटेरिया ये सेल मैंने दिया ब्रैकेट क्लोज एंटो अब अगर आप यहां पे टाइप करते हैं इस्ट इस्ट का data, जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो निकाल के दिया है नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो मिनिमम रेवेन्यू फॉर रीजन आगे इसके लिए यूज करेंगे मेन इप्स मेन रेंज देना है जो कि रेवेन्यू चाहिए मेरे को कामा क्राइटेरिया रेंज रीजन सेलेक्ट कर लिया और रीजन के बेस पे क्या चाहिए तो इस्ट का डेटा चाहिए ब्रैकेट क्लोज और एंटो मैंने यहाँ पे टाइप करा सेंट्रल अब डेटा जो निकाल के दिया वो सेंट्रल का दे दिया मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिखा वेस्ट वेस्ट का मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा निकाल के दिया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते अगले वीडियो में